हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे बिस्किट। तो देखिए दोस्तों, कितने क्रंची है, बाहर से क्रंची है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, इसमें एक कटोरी सूजी डालेंगे, एक कटोरी मैदा, एक कटोरी पिसी हुई चीनी, सभी को मिक्स करेंगे। आधी कटोरी मोयन के लिए तेल और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह का आटा चाहिए। अब हम इसमें दूध डाल के डो बना देंगे। जरूरत के अनुसार दूध डालेंगे। ये हमारा डो तैयार है, इस तरह का डो चाहिए हमें। अब हम इसमें इलायची डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद हमारा आटा तैयार है। अब हम इसमें से थोड़ा आटा लेंगे, इसे राउंड राउंड करके और इसे इस तरह से शेप देंगे। इसी तरह से हम सारे बना देंगे। ये मैंने सारे बिस्किट बना दिए हैं। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए हमने तेल को पहले से ही गरम रख दिया था। तेल गरम हो गया है। अब हम एक एक करके डालेंगे। स्लो गैस पर तलेंगे। अब हम इन्हें पलटेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ अच्छे से तल देंगे। ये हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल देंगे। और इसी तरह से हम दूसरे भी तल देंगे। ये हमारे बिस्किट बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रंची बने हैं। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।